पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में टीएमसी और भाजपा के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए जी जान लगाकर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। सोमवार को बीजेपी नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर मुसलमानों के तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि बेगम ममता बनर्जी तुष्टिकरण करते करते बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। वहीं ममता बनर्जी ने शुभेंदु पर यूपी बिहार के गुंडों से मदद मांगने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वह रॉयल बंगाल टाइगर है और शेरनी की तरह जवाब देगी। दरअसल 30 मार्च को दूसरे चरण के चुनावी सभा का अंतिम दिन है। इससे पहले सोमवार को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसलिए ममता बनर्जी ने होली की बधाई की जगह आप सभी को होली मुबारक कहा। बेगम को वोट मत दीजिए, अगर आप बेगम को वोट देंगे तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम सूफियाना के अलावा किसी को नहीं जानती, अधिकारी ने कहा। बेगम अचानक बदल गई है, मंदिरों में जाने लगी है क्योंकि उन्हें हार का डर सताने लगा है। इस पर ममता बनर्जी ने भी बिना देर किए हुए सोमवार को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु ने मेरे ऊपर हमला कराया, नंदीग्राम के किसी व्यक्ति ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन आप यूपी बिहार के गुंडे लेकर आए। हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, अगर शुभेंदु आए तो महिलाओं को उन्हें बर्तनों से पीटना चाहिए। ममता ने कहा कि जो लोग संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते वे यहाँ राजनीति नहीं कर सकते, नंदीग्राम गुंडागर्दी देख रहा है। ममता ने आगे कहा कि हमने बुरुलिया में सभा की, टीएमसी का दफ्तर तोड़ दिया, शुभेंदु अधिकारी सब कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, खेल मैं भी खेल सकती हूँ, मैं भी शेरनी की तरह जवाब दे सकती हूँ, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। बहरहाल नंदीग्राम में 1 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लिहाजा आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ सूबे की हॉट सीट किसकी होगी इस पर भी जनता मुहर लगा देगी, लिहाजा इंतजार करना होगा 2 मई का, जब चुनावी नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।